नमस्ते दोस्तों, एक्सपेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैकेनिकल मोटर व्हीकल इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाले हो। सबसे पहले आपको सिलेबस आपको दिखा दूँ। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए सिलेबस है पेट्रोल इंजन वर्क, सेकंड चैप्टर है डीजल इंजन वर्क, थर्ड चैप्टर ट्रबल शूटिंग इंजन, इंजन के अंदर जो खराबी रहता है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएंगे। उसके बाद चार नंबर ट्रबल शूटिंग इन फ्यूल सिस्टम, पेट्रोल का सिस्टम में फ्यूल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन सिक्रोमैश गियर बॉक्स, इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का है। सिंक्रोमैश जो गियर बॉक्स रहता है वो आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद ट्रांसफर केस एंड गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग के ऊपर और ट्रांसफर केस के ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म, ट्रबल शूटिंग और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर, इलेक्ट्रिकल का ऑटो इलेक्ट्रिशियन है उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद ड्राइविंग प्रैक्टिस और वर्कशॉप इक्विपमेंट, वर्कशॉप इक्विपमेंट में आपको जो जो सामान लगता है मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रेड के लिए इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस तरह से आप पूरा सिलेबस आप कवर करेंगे तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उनसे आता है, सब आएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन 10-10% भी आ सकते हैं, 20% भी आ सकते हैं, 50% भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते। उसका क्वेश्चन के पेपर अगर पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे तो ही आप अच्छी तरह से मार्क मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है बुज बेरिंग इज मेड ऑफ, ऑप्शन दिया है स्टील, स्टील लीड, कॉपर लीड, एल्यूमिनियम। इनमें से सही जवाब है सी, कॉपर लीड, ये सही जवाब है कॉपर लीड। इसके ऊपर सी के ऊपर मार्क कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेरिंग कैन टेक एक्सल लोड इन बोथ द डायरेक्शन। ऑप्शन दिया है प्लेन रोलर, बॉल, टेपर रोलर, बुश। इनमें से सही जवाब है टेपर रोलर। तो ये टेपर रोलर के ऊपर आप मार्क कीजिए, टेपर रोलर सी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेरिंग इज यूज्ड मोस्टली इन पेयर। ऑप्शन दिया है रोलर, निडल रोलर, टेपर रोलर, बॉल। इनमें से सही जवाब है टेपर रोलर। तो टेपर रोलर के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है विच कंपोनेंट अमंग द फॉलोइंग रिड्यूस नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ऑप्शन दिया है एग्जॉस्ट पाइप, मफलर, इनलेट मैनिफोल्ड, टेल पाइप। इनमें से सही जवाब है इनलेट मैनिफोल्ड, सी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है विच कंपोनेंट अमंग द फॉलोइंग इज फिटेड इन बिटवीन एग्जॉस्ट पाइप एंड टेल पाइप। इसका ऑप्शन दिया है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, मफलर, हीट कंट्रोल वाल। इनमें से सही जवाब है मफलर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द फंक्शन ऑफ इनलेट मैनिफोल्ड इज टू। ऑप्शन दिया है रिड्यूस द नॉइस ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, रिड्यूस कंटेंट इन एग्जॉस्ट गैसेस, सप्लाई एयर फ्यूल मिक्सचर, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर। इसका सही जवाब है सी, सप्लाई एयर फ्यूल मिक्सचर। तो सी के ऊपर मार्क कीजिए।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट टेक प्लेस इन ओ टी टी ओ साइकिल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ऑप्शन दिया है सक्शन, कंबशन, एग्जॉस्ट, पावर. इनमें से सही जवाब है बी कंबक्शन. ये सही जवाब है, बी के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्ट है इन डीजल साइकिल कंबक्शन टेक प्लेस एट. ऑप्शन दिया है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनमें से सही जवाब है ये कांस्टेंट प्रेशर. ए के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्ट है फीड पंप आर ड्रिवन बाय. ऑप्शन दिया है कैमशाफ्ट ऑफ इंजन, कैमशाफ्ट ऑफ एफ आई पी, टाइमिंग गियर, वेरियस फ्रॉम इंजन टू इंजन. इनमें से सही जवाब है बी कैमशाफ्ट ऑफ एफ आई पी. बी के ऊपर मार्क कीजिए. इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है फीड पंप आर यूजुअली माउंटेड ऑन. ऑप्शन दिया है एफ आई पी, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल टैंक, सिलेंडर हेड. इनमें से सही जवाब है ए एफ आई पी. ए के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्ट है हैंड प्राइमिंग डिवाइस इज यूजफुल व्हेन. ऑप्शन दिया है द इंजन इज एट फुल स्पीड, द इंजन इज एट आइडियल स्पीड, द इंजन इज एट फुल लोड, द इंजन इज एट रेस्ट. इनमें से सही जवाब है डी द इंजन इज एट रेस्ट. ये सही जवाब है, डी के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्ट है द पार्ट प्रायर बैरर टू द इंजेक्टर इन द फ्यूल सिस्टम इज. ऑप्शन दिया है फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, लिफ्ट पंप, फ्यूल फिल्टर. इनमें से सही जवाब है डी, डी के ऊपर मार्क कीजिए, फ्यूल फिल्टर. ये सही जवाब है. अगला ऑब्जेक्ट है इंजेक्टर डिलीवर फ्यूल टू. ऑप्शन दिया है फ्यूल फिल्टर, फ्यूल टैंक, टू गवर्मर एंड टू इंजन सिलेंडर. इनमें से सही जवाब है डी टू इंजन सिलेंडर. ये सही जवाब है, डी के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्टिव है स्पेशल फ्यूचर ऑफ पिंटेल टाइप नोजल इज. ऑप्शन दिया है इट हैज सिंगल होल, इट हैज एन एक्सटेंडेड टिम टू फ्रंट ऑफ अ पिन, इट इज सुटेबल फॉर कोल्ड वेदर, इट इज डिजाइंड फॉर इजी स्टार्टिंग. इनमें से सही जवाब है बी इट हैज एन एक्सटेंडेड टिम्स टू फॉर्म द पिन. बी के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्ट है डिनोनेशन लीड्स टू डिटोनेशन लीड्स टू. ऑप्शन दिया है ए लेट स्टार्टिंग, बी ऑयल लीकिंग, सी नॉकिंग साउंड, डी स्टॉपिंग ऑफ इंजन. इनमें से सही जवाब है नॉकिंग साउंड, सी. सी के ऊपर मार्क कीजिए. अगला ऑब्जेक्टिव है इन फ्यूल पाइप कनेक्टिंग फ्यूल टैंक एंड एफ आई पी आर कॉल्ड. ऑप्शन दिया है ए हाई प्रेशर पाइप, बी ओवरफ्लो पाइप, सी लीक ऑफ पाइप, डी सक्शन पाइप. इनमें से सही जवाब है ए
हाई प्रेशर पाइप, ये सही जवाब है, ए के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है अ ड्रेन प्लग इन द फ्यूल टैंक इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन दिया है ए ओनली टू कलेक्ट मिडमैन, बी ओनली टू ड्रेन अ फ्यूल, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी टू फिल अ फ्यूल। इनमें से सही जवाब है बी ओनली टू ड्रेन द फ्यूल, ये सही जवाब है, बी के ऊपर मार्क कीजिए। इसका हाई प्रेशर पाइप ये आंसर था ए, ए के ऊपर मार्क कीजिए ऊपर का। इसके बाद बी ओनली टू ड्रेन द फ्यूल, ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है टू कंप्रेस द एयर इज यूज फॉर। ऑप्शन दिया है ए स्टॉपिंग द इंजन, बी ऑपरेटिंग हैंड पंप, सी क्रैंकिंग द इंजन, डी टू चेंज द बैटरी। इनमें से सही जवाब है सी क्रैकिंग द इंजन, ये सही जवाब है, सी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है नॉइस इन द क्लच असेंबली व्हेन इट इज एंगेज इज ड्यू टू। ऑप्शन दिया है ए डैमेज प्रेशर स्प्रिंग, बी ग्रीस और ऑयल ऑन द क्लच लाइनिंग, सी टू मच क्लच पैडल फ्री प्ले, डी टू मच एंड प्ले इन द काउंटर शाफ्ट। इनमें से सही जवाब है ए डैमेज प्रेशर स्प्रिंग, ए के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है नॉइज अपीयर इन द गियर बॉक्स इन द न्यूट्रल पोजिशन इज ड्यू टू। ऑप्शन दिया है ए डिफेक्टिव क्लच डिस्क, बी डैमेज सेंटर जॉइंट रबर माउंटिंग, सी टू मच एंड प्ले इन द काउंटर शाफ्ट गियर, डी टाइट एंड जाम स्प्लाइन। इनमें से सही जवाब है सी टू मच एंड प्ले इन द काउंटर शाफ्ट गियर, तो सी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है नॉइज अपीयर इन द डिफरेंशियल ऑन रियल एक्सेल यूनिट व्हेन द व्हीकल इज रनिंग स्ट्रेट अहेड ड्यू टू। ऑप्शन दिया है एक्सेल शाफ्ट प्ले एक्सेसिव, बी वार्न आउट हब बेयरिंग, सी वार्म आउट डैमेज सन एंड स्टार गियर, डी टू मच बैकलैश बिटवीन क्राउन व्हील एंड पिनियन। इनमें से सही जवाब है डी टू मच द बैकलैश बिटवीन द क्राउन व्हील एंड पिनियन, ये सही जवाब है, डी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है What is the cause among the following for the noise warning from engine when any injector is disconnected? Option D, A, wrong injection timing, B, defective injector, C, damaged head gasket, D, excessive tappet cleaner क्लियरेंस। तो इनमें से सही जवाब है बी डिफेक्टिव इंजेक्टर, बी के ऊपर मार्क कीजिए, बी डिफेक्टिव इंजेक्टर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द रीजन फॉर पिस्टन स्लैब। ऑप्शन दिया है ए रॉन्ग इंजेक्शन टाइमिंग, बी वर्न आउट सिलेंडर बोर, सी डिफेक्टिव इंजेक्टर, डी डिफेक्टिव FIP। इनमें से सही जवाब है बी रॉन्ग आउट सिलेंडर बोर, बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द रीजन फॉर हिसमिंग नॉइज फ्रॉम सिलेंडर हेड।
ऑप्शन दिया है ए एक्सेसिव टैपेट क्लीनिंग, बी रॉन्ग इंजेक्टर टाइमिंग, सी प्री इंजेक्टेशन, डी एयर क्लीनर माउंटिंग लॉस। इनमें से सही जवाब है डी एयर क्लीनिंग क्लीनर माउंटिंग लॉस। ये डी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है वार्न आउट रिंग गियर्स ऑफ फ्लाई व्हील विल कॉज। ऑप्शन दिया है ए कंटिन्यूअस नॉइज फ्रॉम इंजिन, बी नॉइज व्हाइल क्रैकिंग इन द इंजिन, द नॉइज व्हाइल एक्सीलरेटिंग इन द इंजिन, डी नॉइज व्हाइल रिटार्डिंग द इंजिन। इनमें से सही जवाब है बी नॉइज व्हाइल क्रैकिंग द इंजिन। बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है द बल्ब फिलामेंट इज इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन दिया है ए स्पाइरल, बी स्ट्रेट, सी लूप, डी स्टार्ट। इनमें से सही जवाब है स्पाइरल ए। ए के ऊपर मार्क कीजिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है द बायोनेट टाइप बल्ब गेट्स लॉक इन द होल्डर बाय। ऑप्शन दिया है लग्स, कैप, स्प्लिट पिन, क्वार्टर। इनमें से सही जवाब है ए लग्स। अगला ऑब्जेक्टिव है द हेलोजन गैस इज फिल्ड इन विथ आयोडीन एंड डाइजेस्ट। ऑप्शन दिया है आर्गन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। इनमें से सही जवाब है सी ब्रोमीन। अगला ऑब्जेक्टिव है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इन द बल्ब इज 1, 2, 3, 4। इनमें से सही जवाब है टू। टू के ऊपर मार्क कीजिए बी। ये सही जवाब है बी। अगला ऑब्जेक्टिव है फ्यूज वायर इज मेड आउट ऑफ। ऑप्शन दिया ए लीड, टीन, अलॉय, बी स्ट्रॉन्ग स्टील, सी कॉपर, डी ब्रास। इनमें से सही जवाब है ए लीड, टीन, अलॉय। अगला ऑब्जेक्टिव है द कैपेसिटी ऑफ फ्यूज डिपेंड अपॉन। ऑप्शन दिया है ए बैटरी कैपेसिटी, बी लेंथ ऑफ वायर, सी लोड कैपेसिटी, डी नन ऑफ दिस। इनमें से सही जवाब है सी लोड कैपेसिटी। ये सही जवाब है, सी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है द फ्यूजेस आर फिटेड इन। ऑप्शन दिया है ए कट आउट, बी रिले, सी कार्बेज, डी बैटरी। इनमें से सही जवाब है सी कार्टेज। इनमें से सही जवाब है सी कार्टेज। अगला ऑब्जेक्टिव है व्हेन द लैंप स्विच इज ऑन द करंट फ्लो टू। ऑप्शन दिया है ए डायनामो, बी बैटरी, सी कट आउट एंड डी फिलामेंट। इनमें से सही जवाब है डी फिलामेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द हेडलाइट पार्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड इन। ऑप्शन दिया है ए शील्ड बीम, बी फ्लश फिटिंग टाइप, सी रिफोकस बल्ब, डी हेलोजन बल्ब। इनमें से सही जवाब है सी रिफोकस बल्ब। ये सी सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है अ हेडलाइट इज ऑल्सो यूज एज। ऑप्शन दिया है ए साइड इंडिकेटर, बी स्टॉप इंडिकेटर, सी सिग्नलाइजिंग डिवाइस, डी हीटिंग डिवाइस। इनमें से सही जवाब है सी सिग्नलाइजिंग डिवाइस। अगला ऑब्जेक्ट है प्रिस्मेटिक लेंस इज फिटेड ओवर टू। ऑप्शन दिया है रेक्टिफायर, हेडलाइट, आउटर रिंग, इनर रिंग। इनमें से सही जवाब है
रेक्टिफायर, ये सही जवाब है रेक्टिफायर। अगला ऑब्जेक्ट है अ रिफ्लेक्टर ग्लास एंड बल्ब आर मेड इन अ सिंगल यूनिट इज, ऑप्शन दिया है ए फ्लश टाइप, बी सील्ड बीम, सी इंडिपेंडेंट बल्ब, डी नन ऑफ दिस। इनमें से सही जवाब है सील्ड बीम बी, ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्ट है व्हेन द मेन फिलामेंट इज वर्किंग इन द डे रेज ट्रैवल, ऑप्शन दिया है ये पैरेलल टू द सिमेट्रिकल एक्सिस, टू डाउन द एक्सिस, अप टू द एक्सिस एंड राइट साइड टू द एक्सिस। इनमें से सही जवाब है ए पैरेलल टू सिमेट्रिकल एक्सिस, ए के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है इन द हेडलाइट बल्ब द मेन फिलामेंट इज लोकेटेड, ऑप्शन दिया है ए इन फ्रंट ऑफ द एंटोजाइल फिलामेंट, बी एट द टॉप ऑफ द एंटोजाइल फिलामेंट, सी एट द एट बॉटम ऑफ द एंटोजल फिलामेंट, बिहाइंड एंटोजल फिलामेंट। इनमें से सही जवाब है डी बिहाइंड एंटीजोल फिलामेंट, ये सही जवाब है, डी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है व्हेन द हॉर्न बटन इज प्रेस्ड द करंट फ्लो टू द हॉर्न फ्रॉम दी, ऑप्शन दिया ए डायनोमा, बी बैटरी, सी स्टार्टर, डी हॉर्न बटन। इनमें से सही जवाब है बी बैटरी। अगला ऑब्जेक्ट है हॉर्न साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ऑप्शन दिया ए आर्किंग इन द हॉर्न पॉइंट, बी वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम, सी क्लोजिंग ऑफ पॉइंट, डी ओपनिंग ऑफ पॉइंट। इनमें से सही जवाब है वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम, ये सही जवाब है, बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है द हॉर्न डायफ्राम मूव्स विथ डैश डैश, ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक कोर, कॉन्टैक्ट, गाइड स्प्रिंग, आर्मेचर। इनमें से सही जवाब है डी आर्मेचर, डी के ऊपर मार्क कीजिए आर्मेचर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्ट्रिकर प्लेट इज फिटेड ऑन, ऑप्शन दिया ये स्पिंडल, बी गाइड स्प्रिंग, सी आर्मेचर, डी डायफ्राम। इनमें से सही जवाब है सी आर्मेचर। अगला ऑब्जेक्ट है द साउंड इज इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द डायफ्राम इन, ऑप्शन दिया ए वाइंड टोन हॉर्न, बी बल्ब हॉर्न, सी वाइब्रेटिंग टाइप एंड डी वैक्यूम टाइप हॉर्न। इनमें से सही जवाब है डी। इनमें से सही जवाब है सी वाइब्रेटिंग टाइप, ये सही जवाब है सी। अगला ऑब्जेक्ट है हॉर्न रिले कंसिस्ट टर्मिनल ऑफ, ऑप्शन दिया है ए आई बी सी, बी बी पी एल, सी ए बी एफ, डी एच बी एस। ये सही जवाब है डी एच बी एस, ये सही जवाब है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है अ डायफ्राम वाइब्रेशन पर सेकंड इज, ऑप्शन दिया है ए 3 टाइम, बी 30 टाइम, सी 300 टाइम, डी 3000 टाइम। इनमें से सही जवाब है सी 300 टाइम। अगला ऑब्जेक्ट है व्हेन द हॉर्न बटन इज प्रेस्ड द करंट फ्लो टू हॉर्न थ्रू, ऑप्शन दिया ए हॉर्न स्विच, बी
सोलेनोइड कॉइल, सी बैटरी, डी चेसिस। इनमें से सही जवाब है बी, सोलेनोइड कॉइल बी। ऐसे बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है, द मैक्सिमम करंट फ्लो क्रॉस द टर्मिनल व्हेन द हॉर्न बटन इज प्रेस्ड। ये दिया, ऑप्शन दिया है बी टू एस, एस टू बी, बी टू एच, एच टू बी। इनमें से सही जवाब है सी, बी टू एच। सी के ऊपर मार्क कीजिए। व्हेन द हॉर्न बटन इज प्रेस्ड, द बटन इज टॉर्च इज, ऑप्शन इज गिवन, ए ग्राउंडेड प्लेट, बी लाइव प्लेट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। इनमें से सही जवाब है ए ग्राउंडेड प्लेट। ए के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है, हॉर्न साउंड कैन बी करेक्टेड बाय, ऑप्शन दिया है हायर कैपेसिटी बैटरी, बी एडजस्टिंग स्क्रू, सी यूज मोर नो हॉर्न, डी यूजिंग थिक फ्यूज। इनमें से सही जवाब है बी, एडजस्टिंग स्क्रू, ये सही जवाब है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, हॉर्न साउंड बिकम पुअर ड्यू टू, ऑप्शन दिया है ए स्टिकी पॉइंट, बी डिस्चार्ज बैटरी, सी चार्ज बैटरी, डी ब्लाउन फ्यूज। इनमें से सही जवाब है बी डिस्चार्ज बैटरी। ये बी के ऊपर मार कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है, इफ द डायफ्राम क्रैक द हॉर्न प्रोड्यूस, ऑप्शन दिया है ए लाउडेड नॉइज, बी नॉइज नो नॉइज, सी वीक नॉइज, डी अनसेटिस्फैक्ट्री टोन। इनमें से सही जवाब है डी अनसेटिस्फैक्ट्री टोन, ये सही जवाब है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, द वाइपर मोटर रिसीव्ड करंट फ्रॉम दी, ऑप्शन दिया है ए डायनोमा, बी स्टार्टर मोटर, सी कटआउट, डी बैटरी। इनमें से सही जवाब है डी बैटरी, डी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है, द टाइप्स ऑफ वाइपर यूनिट यूज इन प्रेजेंट डे व्हीकल इज, ऑप्शन दिया है ए इलेक्ट्रिकल टाइप, बी हाइड्रोलिक, सी वैक्यूम एंड डी मैकेनिक। इनमें से सही जवाब है इलेक्ट्रिकल टाइप, ए, ए के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है, वार्म इज पिटेड ऑन, ए ऑप्शन पिनियन, बी सेक्टर, सी रिडक्शन व्हील, डी आर्मेचर शाफ्ट। इनमें से सही जवाब है डी आर्मेचर शाफ्ट, ये सही जवाब है आर्मेचर शाफ्ट, डी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है, द वाइपर ब्लेड मैटिंग फेस आर मेड ऑफ, ऑप्शन दिया है ए लेदर, बी फैब्रिक, सी रबर, डी फाइबर। इनमें से सही जवाब है रबर, ये सही जवाब है सी। अगला ऑब्जेक्ट है, इफ द गियर मैकेनिज्म इज ड्राई द वाइपर यूनिट, ऑप्शन दिया है ए विल नॉट वर्क, बी वर्क विथ हाई स्पीड, सी विल वर्क विथ नॉइज, डी विल ओवर हीटेड। इनमें से सही जवाब है सी विल वर्क विथ नॉइज, सी। अगला ऑब्जेक्ट है, पेरिस वाइपर ब्लेड कॉज, ऑप्शन दिया है ओवर हीट, नॉइज, स्टॉप कंप्लीटली, स्लो वर्किंग। इनमें से सही जवाब है बी नॉइज, बी के ऊपर मार्क कीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द फ्लैशर इंडिकेटर वार्मिंग लैंप इज फिटेड ऑन, ऑप्शन दिया है ए फ्रंट ऑफ द कार, बी रियर ऑफ द कार, सी पैनल बोर्ड, डी फुट बोर्ड। इनमें से सही जवाब है सी
पैनल बोर्ड। अगला ऑब्जेक्टिव है द आयरन कोर वाइंडिंग एंड आर अटैच टू। ऑप्शन दिया है पी टर्मिनल एंड कॉन्टैक्ट, एल टर्मिनल एंड कॉन्टैक्ट, बी टर्मिनल एंड कॉन्टैक्ट, नन ऑफ दिस। इनमें से सही जवाब है बी, एल टर्मिनल एंड कॉन्टैक्ट। अगला ऑब्जेक्टिव है द एक्वाटेक वायर इज मेड ऑफ। ऑप्शन दिया है लीड, एल्यूमिनियम, कॉपर, माइक्रोम, नाइक्रॉन। तो इनमें से सही जवाब है डी, नाइक्रोम। अगला ऑब्जेक्टिव है व्हेन द आयरन कोर टर्न टू मैग्नेट इट अटैक। ऑप्शन दिया है मेन आर्मेचर, एक्सिलरी आर्मेचर, बोथ ऑफ द आर्मेचर, नो आर्मेचर। इनमें से सही जवाब है बोथ आर्मेचर सी, ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है फ्लैशर यूनिट टर्मिनल आर मार्क ऑन। ऑप्शन दिया है एच बी एस, एल बी पी, आई एस बी, ए बी एफ। इनमें से सही जवाब है बी, एल बी पी, ये बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है फ्लैशिंग ऑफ द लैम्प कॉज एक्टिंग एक्यूरेटिंग वायर टू। ऑप्शन दिया हीट, कूल, हीट एंड कूल एंड नन। इनमें से सही जवाब है सी, हीट एंड कूल, ये सही जवाब है, सी के ऊपर मार्क कीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फ्लाई व्हील मैग्नेटो कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन दिया ए टेम्पररी मैग्नेट, बी बार मैग्नेट, सी परमानेंट मैग्नेट, डी नीडल मैग्नेट। इनमें से सही जवाब है परमानेंट मैग्नेट सी, सी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है द जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ड्यू टू ब्रेक इन। ऑप्शन दिया है सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, बोथ सर्किट, नो ब्रेक। इनमें से सही जवाब है प्राइमरी सर्किट बी, बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है फ्लाई व्हील मैग्नेटो द इग्निशन कॉइल इज। ऑप्शन दिया ए स्टेशनरी, बी मूविंग, सी रोटेटिंग एंड डी ऑसिलेटिंग। इनमें से सही जवाब है ए स्टेशनरी। अगला ऑब्जेक्टिव है द कंडेंसर इज कनेक्टेड पैरेलल विथ दी। ऑप्शन दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग, सी बी पॉइंट, इग्निशन स्विच, नन ऑफ दिस। इनमें से सही जवाब है सी बी पॉइंट बी, ये बी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है इन द रोटेटिंग आर्मेचर मैग्नेटो द हॉर्स शूज परमानेंटली मैग्नेट इज। ऑप्शन दिया है स्टेशनरी, रोटेटिंग, ऑसिलेटिंग, वाइब्रेटिंग। इनमें से सही जवाब है स्टेशनरी ए, ए के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है द वन एंड ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द आर्मेचर इज कनेक्टेड टू। ऑप्शन दिया है कॉन्टैक्ट ब्रेकर, कंडेंसर, स्पार्क प्लग, स्विच। इनमें से सही जवाब है स्पार्क प्लग, सी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्ट है व्हेन द इंजन रोटेट द करंट इज फर्स्ट प्रोड्यूस इन। ऑप्शन दिया है सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, बोथ ऑफ द कॉइल, कंडेंसर। इनमें से सही जवाब है बी, प्राइमरी वाइंडिंग, बी के ऊपर मार्क कीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द स्पेस रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द रोटेटिंग फ्लाई व्हील मैग्नेटो इज। ऑप्शन दिया है ए मोर, वाइंडर, नैरो, लेस। इनमें से सही जवाब है लेस, डी, डी सही जवाब है, डी के ऊपर मार्क कीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है द पीसी पॉइंट ओपन ड्यू टू रोटेटिंग ऑफ। ऑप्शन दिया है आर्मेचर, कैम, फ्लाई व्हील एंड मैग्नेटो। तो
बी इज द करेक्ट आंसर कैम, तो बी के ऊपर मार कीजिए। इस तरह से आपको मोटर व्हीकल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दोस्त को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।